धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा होता है। गाइस, हो सकता है कि इस प्रिपरेशन में आप में से काफी सारे लोगों का बहुत समय निकल चुका हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कुछ लोग तो 2 3 4 महीने में ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यार, कोई दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। पेशेंस नहीं रखते इस एग्जाम में। गाइस, सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोगों का एग्जाम जल्दी निकल जाता है, कुछ का थोड़ा सा लेट निकलता है, बट सिलेक्शन सबका होता है और उनका होता है जो मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। सो पेशेंस रखो अपने अंदर यार, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम आपका निकल के रहेगा। सो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर IAS। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को जो है गाइस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। द हिंदू न्यूज़पेपर आज जो है वो 26 मई 2022 है, तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है कि नहीं। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा और ये गेमी फाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज GS का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपये तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर, JHASIR। और प्रिलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो उसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में, और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीजें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीजें जो आपको बतानी थी, तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर, यूट्यूब पर अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर चेक करिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगी और उस लिंक के माध्यम से आप प्राइवेट बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट? चलिए, मैं देख लेता हूँ कि आई थिंक सब लोग को पता होगा कि मैंने अभी एक और नोटिफिकेशन दे दिया था कि कुछ स्टूडेंट अगर भूल गए हों तो ज्वाइन कर लें 15 मिनट में। चलिए, सो 26 मई 2022 का दिन है आज। सो पहला जो टॉपिक, यानी कि अगर हम हेडर की बात करें तो आपको देखिए हेट स्पीच से रिलेटेड एक केस, पॉलिटिकल न्यूज है। यहाँ पर मेनली आपको ध्यान देना है किस चीज पर, हेट स्पीच के ऊपर, कि हेट स्पीच वगैरह जो है वो क्या होती है, राइट? क्या हेट स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है कि हेट स्पीच के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? बताइए। तो हेट स्पीच से रिलेटेड गाइस कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट हमारे इंडियन पीनल कोड में काफी सारे सेक्शन हैं जो कि इससे डील करते हैं। और फिर इसके अलावा सेकंड जो न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, पुलिस मैन और 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारे गए कश्मीर के अंदर, हम लोग को देखने को मिला, एक पुलिस मैन जो है वो शहीद हुए हैं। और चाइना जो है ये चाहती है 10 पैसिफिक नेशन जो है वो स्वीपिंग एग्रीमेंट को जो है वो सपोर्ट करें। तो बेसिकली चाइना जो है वो पैसिफिक क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो चाह रही है, तो इसको लेकर ये एक काफी अच्छा टॉपिक है, इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेडर में न्यूज है जो हमारे लिए काम की नहीं है। जो मेन न्यूज है वो यासिन मलिक की, आप बता सकते हैं यासिन मलिक कौन है? यासिन मलिक एक सेपरेटिस्ट लीडर, कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर। ये कश्मीरी फाइल्स मूवी आपने देखी होगी, तो कश्मीरी फाइल्स के अंदर, कश्मीर फाइल्स के अंदर
ये जो शक था यासिन मलिक, ये दिखाया गया था राइट। तो यासिन मलिक जो है मिलनी चाहिए थी इसको लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट, इसको होना ही था। तो टेरर फंडिंग के लिए लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट जो है वो उसको दे दिया गया, जीवन कारावास जो है वो दे दिया गया इसको राइट। और देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि एनआईए की कोर्ट ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट ने ऑलरेडी जो है वो इसको लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट जो है वो करार कर दिया था, सजा दे दी थी। और किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 17 उआपा का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो आपको उआपा के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए राइट। चलिए, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही खतरनाक घटना जो है वो सामने आई है, क्योंकि गलती यूनाइटेड स्टेट्स की है यार। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नॉर्मली किसी भी इंसान को जो है वो बंदूक आसानी से मिल जाती है, और हमारे इंडिया में बंदूक मिलना जो है वो काफी मुश्किल होता है। वैसे आपको देसी कट्टा तो पैसा दोगे तो मिल जाएगा, उसमें वो कोई है नहीं, उसके ऊपर भी हालांकि हमें रेगुलेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देसी कट्टा भी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि काफी सारे लोग जो है वो पैसा देके इधर उधर जुगाड़ करके देसी कट्टा तो खरीद लेते हैं, बट फिर भी इस चीज पर भी रेगुलेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो ऐसे ही, जैसे शॉप्स वगैरह होती है ना हमारी, जैसे वाइन शॉप हो गई, नॉर्मल जो शॉप्स हो गई, तो उसी टाइप तरह की गन शॉप भी होती है राइट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अब यही है, अब सोच विचार कर रहे हैं। ओबामा ने जो है वो सोच विचार किया था कि भैया एक ऐसा कानून जो है वो लाया जाए जिससे कि लोगों को गन आसानी से ना मिले। अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फिर से सोच विचार कर रहे हैं कि इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए, कुछ ऐसे कानून, सख्त कानून जो है वो बनाए जाए जिसके तहत आम जनता को जो है वो आसानी से गन ना मिल सके राइट। तो यही हुआ है, यहाँ पर 18 साल का एक गनमैन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसने 19 बच्चों की जान ले ली है, 2 टीचर्स की जान ले ली है स्कूल के अंदर घुसकर। तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल आया है, तो इस पर हम लोग आगे चल के जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये एक न्यूज हम लोग को देखने को दी, ये वाली न्यूज है वो टोटली पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए काम की नहीं है। तो फर्स्ट पेज के अंदर इतनी सी न्यूज थी बस आज। अब हम लोग सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, सिटी वाला पेज जो है कुछ खास न्यूज नहीं है, एक ही न्यूज जो है वो यहाँ पर काम की हम लोग को नजर आ रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो एक एग्जीबिशन करेगी, और जिसके तहत ये फाइंड आउट करेगी कुछ ऑल्टरनेटिव्स की, क्या ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ढूंढे सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए। आप सिंगल यूज प्लास्टिक, आप जानते हैं कि उसको खत्म करना है, 2022 भी एक टारगेट है कि 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से जो है वो खत्म कर देना है। तो जब सिंगल यूज प्लास्टिक चले जाएंगे तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या मिलेगा, तो आप ये चाहें तो ये चीज जो यहाँ पर मेंशन है तो आप अपने मेंस में जरूर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वो होता है ना ईयरबड्स जो होते हैं जिसमें प्लास्टिक की स्टिक होती है, तो आप प्लास्टिक की स्टिक की जगह बैम्बू की स्टिक या दूसरी वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ईयरबड्स के लिए, वो कान में लगाते हैं, कान में खुजाते हैं वो मैल वगैरह निकालने के लिए। और प्लास्टिक फ्लैग्स जो होते हैं, तो प्लास्टिक फ्लैग की जगह आप क्लोथ का फ्लैग, कपड़े का फ्लैग बनाओ वुडन स्टिक के साथ। और जो ये खाने पीने के लिए जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, कटलरी आइटम्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो प्लास्टिक की होती है, तो आप उसकी जगह पे, वो मुझे तो वो पत्तल ज्यादा अच्छी लगती है, पत्तल बहुत बढ़िया है। और आजकल तो देखिए काफी सारी जगह पर चाय की ग्लास जो आती थी पहले, जो प्लास्टिक्स की मिलती थी ऑलमोस्ट सभी जगह पर, आज की जगह पर काफी सारी प्लेसेस पर कुल्लड़ की चाय मिलती है। हालांकि मैं जहां पर जाकर चाय पीता हूँ तो वहां पर वो कुल्लड़ की चाय 3 रुपए, सेम चाय होती है बट वो कुल्लड़ देते हैं 3 रुपए महंगी देते हैं, बट फिर भी चलो अपन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ले लिया जाए, और अच्छी लगती है, वो ले भी लेते हैं तो मजबूरी में नहीं, वो अच्छा भी लगता है यार। उस कुल्लड़ की चाय से जो चाय पियो ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो आप लोग अगर कोई चाय वाय पीते होंगे तो ट्राई करना कुल्लड़ की चाय से, अगर चाय नहीं पिए तो अच्छा लगता है बहुत राइट। और इसके अलावा जैसे रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म्स वगैरह होती है, गिफ्ट विफ्ट रैप कराने हम लोग ले जाते हैं ना, तो उसकी जगह पे दूसरी रिसाइकल्ड पेपर का इस्तेमाल कर लिया जाए, रिसाइकल कार्डबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा है, वैसे भी चाय वाय नहीं पीनी चाहिए, चाय का नशा क्या करना, क्या नशा जब नशा आप लोग को पढ़ाई का है तो वाह 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 वाह, जरा लिख दो वाह वाह। शुगर केन के वेस्ट से स्टिक बना के यूज कर सकते हैं, वुडन स्टिक यूज करेंगे तो ट्रीज कटिंग बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाह वाह। चलिए, तो हमारा जो थर्ड पेज जो है स्टेट्स का, इसके अंदर पहली न्यूज पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ चीज हम लोग के लिए काम की थोड़ी सी नजर आई है, एक प्ली सामने आई है, इससे रिलेटेड अपडेट आएंगी एक दो दिन में। एक प्ली सामने आई है जिसके तहत बताया जा रहा है कि वंदे मातरम और नेशनल एंथम को इक्वल स्टेटस दिया जाए। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग और हमारा नेशनल एंथम जनगणमन, तो इसको जो है वो इक्वल स्टेटस जो है वो दिया जाए, तो इसको लेकर एक प्ली है। अब देखते हैं आगे चल के क्या आती है बात, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को कहा है, सॉरी दिल्ली सरकार को जो है वो कहा है कि आप, इवन दोनों को ही, दिल्ली और केंद्र सरकार को, कि आप बताएं
इस पर जो है वो रिप्लाई दें। बाकी इस पेज में और कोई न्यूज हम लोग को ऐसा नहीं देखने को मिल रही, रिपीटेड न्यूज है। फोर्थ पेज की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आई थिंक यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या है 2021 के इस एक्ट के अंदर कि तीन कंट्रीज, कौन सी तीन कंट्रीज बताओ, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, ये तीन कंट्री से छह माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनको सिटीजनशिप देने के लिए क्लॉज प्रोविजन इसके अंदर थे। तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो काफी समय से, लंबे समय से जो है वो चल रहा है, यू गाइस नो अबाउट इट, राइट। तो उसी को लेकर एक पर्टिकुलर आर्टिकल था जो हमारे लिए काम का नहीं है, राइट। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं है स्टेट वाले कॉलम के अंदर जो हमारे लिए काम की है। इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में आप लोग जानते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा, क्या मुद्दा हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट अरब वॉर 1948 का, और कौन सा है, सिक्स डेज का वॉर हम लोग को देखने को मिलता है 1967 का, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बालफोर डिक्लेरेशन क्या है, राइट। तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, जिन लोग को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप कुछ मत करो, सिंपल इसराइल पैलेस्टीन इशू लिख दो या इसराइल और पैलेस्टीन लिख दो और उसके आगे लिख दो झासर अकेडमी फॉर आईएएस, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने पूरी चीज डिटेल में जो पैलेस्टीन के मुद्दे को पढ़ाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी को लेकर एक इशू जो है वो चल रहा है, पहले भी जो है वो चला था, 27% का रिजर्वेशन चाहिए इनको लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए। अभी बताओ जरा कि अभी रिसेंटली किस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने किस गवर्नमेंट को जो है वो अलाउ कर दिया है ओबीसी का कोटा लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, बताओ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड, मध्य प्रदेश, बट वहां पर क्या 27% रिजर्वेशन दिया गया, नहीं 14% रिजर्वेशन जो है वो अलॉट किया गया, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये है, ये क्या चीज, हम लोग को तिरुपति के एक राइटर हम लोग को केवी रघुपति देखने को मिलते हैं, इनको इंटरनेशनल पैनोरामा गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनकी किताब द माउंटेन इज कॉलिंग जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी उसके लिए, इसको लेकर एक छोटी सी न्यूज है। बाकी कुछ खास काम का इसके अंदर नजर नहीं आया। बाकी ये वाली एक और न्यूज हम लोग देख लें, केरला सरकार जो है उसने लोकल बॉडीज को जो है वो पावर दी है कि वो लोकल बॉडीज जो है वो अब जंगली सुअर को मार डालें, क्योंकि ये जंगली सुअर जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो है वो खराब कर रहा है। अब देखिए इसमें जो काम की चीज आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए है, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका सेक्शन 11B क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है, ये पावर देता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि वो कुछ स्पेशल ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं जंगली जानवरों को मारने के लिए। अगर कोई जंगली जानवर जो है वो अगर एग्रीकल्चर के लिए खतरा बन रहा है, ह्यूमन के लिए खतरा बन रहा है, तो उसको मारने तक के ऑर्डर जो है वो पास किए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, राइट। और ये जो बॉडीज, डेड बॉडीज जो होंगी एनिमल्स की, तो उसको साइंटिफिक तरीके से जो है वो बरी किया जाएगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अभी देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को एक प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये था कि प्रपोजल सामने जो है वो रखा गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कि कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम चेंज करके डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा, तो फिर लोग बात जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए। बस इतनी सी चीज थी जो आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, वो काम का नहीं है। आज की डेट में ये हम लोग को जो आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सेकंड वाला आर्टिकल, तो अपन इस पर अभी आएंगे। पहले हम लोग ये वाले आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है, इसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। पहली बात तो ये आर्टिकल किसने लिखा है, और मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल जो है, देखो अब जो इस आर्टिकल को हम लोग शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गाइडलाइन है आप लोगों के लिए, गाइडलाइन क्या कहूंगा, एक इंस्ट्रक्शन है, छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये है, इस आर्टिकल को हम लोग बिना रिलीजन को सामने रखे, रिलीजन का पर्दा, रिलीजन का चश्मा बिना लगाए हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। और अगर कोई मोदी भक्त है तो आपको तो हो रही है, यू गाइज आर ऑफिसर्स, मैं आपकी क्या बात कर रहा हूँ, यू गाइज आर ऑफिसर्स, आप ना मोदी भक्त हो, ना आप राहुल भक्त हो, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हो, राइट, बिकॉज यू गाइज आर ऑफिसर्स, आपको कोई लेना देना नहीं कौन सी पार्टी जो है वो पिक्चर में आ रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में कौन सी नहीं, आपको तो अपना काम करना है, सिटीजन की सर्विस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, दे आर न्यूट्रल। वो किसको सपोर्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, इंडियन जो पीपल है, सिटीजन है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सेकेंडली रिलीजन, हमारा एक ही रिलीजन है, वो है इंडियन, ठीक है। तो अब किसी भी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है, ना किसी भी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से इस आर्टिकल को पढ़ना है, वेरी
न्यूट्रल, वेरी न्यूट्रल, यस यू गाइज आर न्यूट्रल आई नो, बट क्या होता है कि बताना पड़ता है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे होते हैं, तो पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको अपने अंदर ला लो। ब्यूरोक्रेट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, बाल्कनाइजेशन क्या होता है? इट टू डिवाइड अ रीजन और बॉडी इनटू अ स्मॉलर म्यूचुअली हॉस्टाइल स्टेट्स और ग्रुप, यानी कि एक बड़े एरिया को डिवाइड कर देना ग्रुप्स में, या फिर एक पूरे की पूरी यूनिटी को जो है वो भंग कर देना, उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। अब ये टाइटल क्या कह रहा है, ड्राइविंग द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया यूनिटी से हटकर जो है वो ग्रुपिज्म में जो है वो अब जा रही है, इंडिया की यूनिटी टूट रही है, सिंपल शब्दों में ये मीनिंग है इसका। आइए डिस्कस करते हैं। टुडे फोर्सेस आर एट वर्क दैट वीकेंस इट्स यूनिटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की यूनिटी को भंग कर रही है। दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंडिया की यूनिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। एक जो है वो ज्ञानवापी का मुद्दा, ज्ञानवापी के मुद्दे से रिलेटेड सभी लोग अवेयर हैं, राइट? नहीं है तो फिर से बताएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो देयर इज डिस्प्यूटेड एविडेंस दैट मॉस्क वॉज वंस अ टेम्पल, एक एविडेंस है, जिसे आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस क्या है, सिंपल सा केस है। ज्ञानवापी मस्जिद पर एक कुंड है जहां पर मस्जिद के अंदर जाने से पहले लोग हाथ पैर धोते हैं, तो कहा जा रहा है कि वो जो पॉन्ड है, वो जो कुंड है, उसके अंदर शिवजी विराजमान है। और जब इसकी वीडियोग्राफी की गई तो वाकई में एक हम लोग को शिवलिंग नजर आया, राइट? और मस्जिद के जो केयर टेकर हैं उनका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, राइट? राइट, ये डिस्प्यूट है, इट इज अ शिवलिंग और फाउंटेन, इट इज अ डिस्प्यूट, लेट कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट। बट व्हाट हैपेंड, ऑथर का कहना यह है, एडिटर का कहना यह है कि हमारी कंट्री में जब ऑलरेडी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आ चुका है, तो क्यों हम उस कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर गिविंग टाइम, वाई वी आर मोर इन्वॉल्व्ड इन डिस्कसिंग, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों टाइम दे रहे हैं? क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्लियरली ये चीज कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जितनी भी प्लेसेस थी एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद और वो अयोध्या मंदिर वाली जो प्ले जो स्पेस है, राम जन्मभूमि वाली जो स्पेस है, उसको छोड़कर जितनी भी प्लेसेस हैं, जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर ही रहेंगे, जितने भी मस्जिद हैं वो मस्जिद ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे, राइट? दिस इज द थिंग, वो एज इट इज रहेगी। बट ऑथर का कहना है कि बट शुड वी सी दिस सोनली इन अ लीगल टर्म्स, क्या हम इसको लीगल टर्म्स में देख रहे हैं? नहीं, वी आर एक्सटेंडिंग इट, हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं चीजों को, हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग और टाइम जो है वो मांग रहे हैं इस पर और डिस्कशन करने के लिए। वो ऑथर का कहना है कि यार ये चीज गलत हो रही है, राइट? तो ये चीज एक हम लोग को देखने को मिली। फ्रॉम अनदर डेमोक्रेसी, लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जॉय बिडेन मेड एन इंपॉर्टेंट स्पीच एट तुलसा ओक्लाहोमा यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब देखो ये है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन एक इस पे चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके लिए विकिपीडिया जो है वो ओपन करता हूँ, और 1921 के तुलसा रेस मास्केर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आर्टिकल में है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसा रेस मास्केर जो है वो कहाँ का है, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है आपको, यूनाइटेड स्टेट्स का ये मैसेकियर, ये हत्याकांड हम लोग को देखने को मिला है। रुक जाओ मैं एक मिनट, क्या है तुलसा रेस मैसेकियर? तो रेस क्या होता है, रेस क्या होता है गाइस, रेस रेस किस चीज को हम लोग जो है वो कहते हैं, रेस कलर, कलर। तो ये जो इशू है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी जो है वो देख सकते हैं, ये इशू जो था वो 1921 का था। कब का था, 1921 में ये घटना जो है वो हुई थी। ये पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा है, डोंट नो व्हाई, मे बी शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पता नहीं क्यों जूम नहीं हो रहा, वैसे ये जूम हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट। चलो एनीवेज, सो तुलसा रेस मैसेकियर, ये जो पूरा इशू जो था इसे ब्लैक वॉल स्ट्रीट मैसेकियर भी कहते हैं और तुलसा रेस राइट भी कहते हैं। दंगे हम लोग को देखने को मिले थे, इनमें मेनली जो अटैक किया गया था वो ब्लैक पीपल के ऊपर अटैक किया गया था। इट टुक प्लेस ऑन May 31st एंड June 1st 1921। मॉब्स ऑफ वाइट रेसिडेंट, वाइट लोग जो थे वो आए और उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया ब्लैक रेसिडेंट्स के ऊपर और ब्लैक रेसिडेंट्स के घर बार को जो है वो तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो पूरी घटना हुई थी ये ग्रीनवुड डिस्ट्रिक्ट तुलसा में हुई थी
ओक्लाहोमा में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो इतनी सी चीज बस आपको समझनी, उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। लाइक कौन सी चीज कितनी कब डीप में जाओगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को हम कितना डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो कि ये जो हम लोग को तुलसा मैसेकेयर जो देखने को मिल रहा है, ये कहाँ का है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का हमें देखने को मिला है। और ये मैसेकेयर, ये हत्याकांड के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिली? व्हाइट ने ब्लैक को जो है वो मारा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। यस, स्टीरियोटाइप का इशू ये हम लोग को देखने को मिला था। प्राची जी वो स्क्रीन जूम नहीं हो पा रही थी उसकी, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही थी, आई डोंट नो व्हाई, वो हो नहीं पा रहा था। तो आई थिंक मैंने जो आपको जितना बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा। एनीवेज, तो अब हुआ क्या, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट गए और यहाँ पर स्पीच देने गए। तो स्पीच के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि अमेरिकन्स मस्ट रिमेंबर, दे मस्ट ऑल्सो मूव ऑन, एंड दिस मैसेज इज वैलिड फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम ऑल्सो, बिकॉज यू गाइस नो कि हिंदू और मुस्लिम का जो पास है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी ऑथर की, एडिटर की, राइट। क्यों ये लाइन मुझे अच्छी लगी उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। यार पास्ट में इशूज हुए, वी नो अबाउट इट, राइट। हुए हैं इशूज, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़े हैं, ये कुत्तों समान एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। बट इन द प्रेजेंट टाइम कांट वी लिव टुगेदर, यूनाइटेड होकर नहीं रह सकते क्या? मूव ऑन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। माइंडसेट की उसमें आवश्यकता है, उसमें आवश्यकता है बचपन से ही वो फीड करने की आवश्यकता है। बचपन से ही अगर किसी बच्चे को, जैसे आप अपने बच्चे को जो है वो बचपन से ही फीड कर दो कि अरे वो लोग अछूत होते हैं, अरे उन वो तो पीठ के पीछे खंजर भोंपते हैं, ऐसी बातें अगर बचपन से बच्चों को पढ़ाई जाती है तो क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो चीज फीड रहती है और फिर वो डिफरेंसेस क्रिएट करने लगता है। सो बचपन से ही पढ़ाओ बच्चों को कि हर धर्म एक ही है, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है फॉलो दैट। एक व्यक्ति सेटिस्फेक्शन के लिए अपने धर्म को फॉलो करता है क्योंकि धर्म उनको पावर देता है। मैं लिटरली फॉलो करूं, मैं तो शिव जी का भक्त हूं और कट्टर टाइप का, इस टाइप के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, मतलब उनकी भक्ति में खोया रहता हूं कई बार, तो मेडिटेशन करता रहता हूं कई बार, तो अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है, पावर मिलती है अंदर से। बट दैट डजंट मीन कि मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं मस्जिद ही जाता हूं। मेरे दोस्त हैं मुस्लिम्स, सिख, ये पंजाबी मेरे दोस्त हैं, मेरा एक पार्टनर है बिजनेस पार्टनर पंजाबी, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं कुछ लोग, बेस्ट फ्रेंड मतलब सिंधी, सिंधी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो आई गो एवरीवेयर, मैं उसके साथ सागर के साथ वहां जाता हूँ, गुरुद्वारे वगैरह कई जगह में गया। बट कुछ लोग क्या करते हैं, बचपन से ही अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, अरे नहीं 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 मस्जिद के अंदर एंटर नहीं होना, क्यों? इतने कमजोर हो गया? कमजोर नहीं है, बचपन से ये फीड किया गया है। सो दिस इज द थिंग, आई बिलीव कि एजुकेशन से ज्यादा घर का माहौल, एजुकेशन से ज्यादा घर का माहौल, आई बिलीव दैट, आई पर्सनली बिलीव दैट। तो ये चीज जो है वो इन्होंने कही कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमें मूव ऑन करना चाहिए और ये मैसेज हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड वेदर, अब देखो एक और चीज है, अब यहां पर सिर्फ इन्होंने केस जो है वो हिंदू और मुस्लिम का नहीं रखा, इन्होंने केस जो है वो आपको पता होगा कि आर्यन और द्रविडियन के बीच में भी एक इशू चलता रहता है, लोग डिस्कस करते हैं कि कौन बड़ा, आर्यन बड़ा कि द्रविडियन बड़ा। अरे क्या करना, कोई बड़ा यार, प्रॉब्लम यही है ना। यहाँ पर इन्होंने यही चीज लिखी है कि ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया अभी भी ये हम लोग को प्राइड का विषय देखने को मिलता है कि हमने जो है वो द्रविडियन को जो है वो किया, सब्जुकेट किया, दबा दिया। ऐसे कॉमन मैन ऐसी बातें करता है, देख लो आप ये सब बातें जो आपको दिखाई दे रही है, बस में बैठा हुआ अगर आपका कोई सामने बैठ के दोस्त इस तरीके की बातें करे, हिंदू मुस्लिम वाली, और इस तरीके की बातें करे, आर्यन द्रविडियन वाली, शांत रहना, डोंट स्पीक, आप लोग को आवश्यकता नहीं है बोलने बोलने की इन सब चीजों में, इन सब विषयों में आपको नहीं बोलना है, चुप रहना है, सुनते रहो, बेवकूफों की बातें सुनते रहो, दीज आर इडियट्स जो ऐसी बातें कर रहे हैं। कमाने की बात नहीं करेंगे ये लोग देश की जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, सोसाइटी को अच्छा करने की बात नहीं करेंगे, ये वही लोग हैं जो सुबह बैठ के मंदिर मस्जिद और इन सब की बात करते हैं, रात में बैठ के अपने ग्लास को भरते हैं, सिर्फ बात करते हैं लोग। और कई बार लोगों को भड़का दिया जाता है, इतना भड़का दिया जाता है कि लोग तलवार निकाल लेते हैं, मारने पीटने पे उतर आते हैं,
अरे फॉलो करो यार, ऊपर वाला जो है वो सबका है। बट सर रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जहां सब जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। रिलीजन के टॉपिक पे मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक्स पे आप इन्वॉल्व होगे, मारे जाओगे, मार खाओगे, इवन इन मेंस आल्सो मार खाओगे। इन टॉपिक पे इन्वॉल्व होगे तो आपको नहीं पता आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। आपको सिर्फ जैसे ही वाले टॉपिक्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें लिखनी है। जो बात बोलूंगा बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, आपका माइंडसेट जो भी है, आप कितनी भी चीज अच्छी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहोगे, बट लेट मी टेल यू अगेन, सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, डोंट नो कि वो किस माइंडसेट का है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को रख दीजिए। यस सर, इस्लाम को टेररिज्म से करते रिलेट, इस्लाम को लोग टेररिज्म से क्यों करते हैं? क्योंकि माइंडसेट क्रिएट कर लिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मुस्लिम थे। वो ऐसे हैं कि आज भी उनका खुद का घर एक म्यूजियम है। जाइए रामेश्वरम, देखिए जाके, उनका खुद का घर उन्होंने डोनेट कर दिया। उनको लोग याद नहीं करवाते, लोग किनको याद कराते हैं? एक एक टेररिस्ट जो है वो मुस्लिम है। क्यों बोलना? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। चलिए, तो ये वाली चीज जो है वो उन्होंने कही है। इसके अलावा अनदर प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट है। अब दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने सामने ये रख दिया, वो हिंदी लैंग्वेज वाला। इनका कहना ये है कि आज की डेट में जो क्या हो क्या रहा है कि आज की डेट में हिंदी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है। अब आप हिंदी लैंग्वेज को जो है वो पूरी कंट्री में जो है वो प्रमोट करने लगोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सदर्न एरियाज में रहने वाले लोग जो है वो गुस्सा होंगे ही होंगे। और उन्होंने ये सब बातें भी जो है बताई हुई है कि सदर्न एरियाज में रहने वाले लोग जो है वो हिंदी स्पीकिंग या हिंदी स्पीकर्स को जो है वो तुच्छ मानते हैं, बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा बैकवर्ड है। तो ऐसी लाइनें भी लिखी हुई है, बट उन सब लाइनों पर अपन को फोकस नहीं करना। अपन को एक समराइज निकालनी है कि आर्टिकल के अंदर क्या चीज कही जा रही है। तो इसके अंदर दो ही मुद्दे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि आज की डेट में इन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी है। देखो, वी नीड अ लीडर, इसमें क्लियरली लिखा हुआ। देखिए देखिए, इंडिया इज ऑल्सो अ कोलिशन ऑफ पीपल दैट आर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्रीज एंड कल्चर। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड है। अब इस पॉपुलेशन को यूनाइट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए, वी रिक्वायर अ लीडर विद अ लार्ज हार्ट एंड नॉट मियरली अ बिग चेस्ट। वो 56 इंच का जो सीना है ना, तो उस पर इन्होंने टॉन्ट मार दिया है, राइट? तो कह रहे हैं, मतलब सिंपल सी चीज इसके अंदर ये मेंशन है कि हमारी कंट्री जो आज की डेट में यूनिटी से थोड़ी सी जो दूर जाती नजर आ रही है, तो हमें उसको ग्रैप करने की जरूरत है। हमें सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व की पॉलिसी जो है वो अपनानी नहीं है, हमें सभी लोग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब टर्म्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पता है होता क्या है कि सच काइंड ऑफ टर्म्स प्रोवोक कम्युनिटीज, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये चीज सुनी हुई है। मानवता को क्यों नहीं बोला जाता? आई डोंट थिंक कि मानवता की बात क्यों नहीं की जाती स्पीच पे, कि हम मानवता के लिए कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कहा जा रहा? वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल एंड थ्रू व्हाट? थ्रू अवर मैसेजेस, दैट्स इट। खुद इन्वॉल्व होके मत करना भैया, खुद इन्वॉल्व होके करोगे तो पीटे जाओगे। मैंने कहा ना, रिलीजन के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह अच्छा कर रहा है, आपको अपनी जगह अच्छा करना है, बस बात खत्म। चले, क्लियर, सॉर्टेड, समझ में आई पूरी चीज है? तो ये एक टीचर है, ये अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में पढ़ाते हैं। अब दूसरी, अब दो डॉक्टर्स की हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल के अंदर बहुत सारे फैक्ट जो है वो आपको नजर आएंगे अबॉर्शन से रिलेटेड। क्या हमारी कंट्री में अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है, कौन बताएगा? कौन बताएगा हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है? इट इज लीगल, हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन लीगल है। अबॉर्शन लीगल होने के बाद भी क्या हमारी कंट्री के अंदर महिला सफर नहीं करती अनसेफ प्रैक्टिसेस? बिल्कुल करती है, यही इस आर्टिकल में बताया गया है। हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन लीगल होने के बावजूद भी महिलाएं जो है वो टॉर्चर फेस करती हैं, अनसेफ प्रैक्टिसेस उनको फेस करनी होती है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
दो महिला पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हमें देखने को मिल रही है। इन्होंने एक ने स्टडी करी यूनाइटेड स्टेट्स में, एक ने इंडिया में, और दोनों ने काम किया यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया दोनों में। दोनों ने कंपेयर करके देखा कि इंडिया की कंडीशन कितनी खराब है। मैटरनल डेथ, माताओं की जो मृत्यु है इंडिया में, बहुत ज्यादा हो रही है। महिला सेप्सिस के कारण मर जाती है। सेप्सिस क्या होता है, एक फैक्ट आपको मिल गया, लिख लीजिए, सेस्पिक, ये ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जब होता है, जब अनसेफ अबॉर्शन होता है तो उस दौरान ये इन्फेक्शन होता है। प्रेग्नेंट महिला जो है वो एक वुडन हैंडपुल कार्ट, जो बैलगाड़ी जो होती है ना, तो उसमें महिला मरी हुई पाई गई। इन्होंने देखी उत्तर प्रदेश में एक महिला बैलगाड़ी में जो है वो मरी हुई पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई। दिस वॉज द इशू। देखिए कितनी गंभीर चीजें हैं इंडिया के अंदर, और ये सब चीजें गाइस कुछ नहीं, आप जो चीज फेस करोगे ना सर्विस में जाने के बाद, लिटरली रोज आप ऐसे ऐसे केसेस देखोगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। फिर आपको पता लगेगा कि रियलिटी जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, ये 5% भी नहीं है चीजें का। ये तो सिर्फ पढ़ के ही हम लोग को इतना डर लगने लगता है। आप लोग तो इतने जिगर वाले हो कि सर्विस में उतरोगे, आप लोग देखोगे ये सब चीजें आंखों के सामने, और आप उसको सुधारोगे, कंट्रोल करोगे। चलो, सो फैक्ट्स की हम लोग बात करें। वुमेन, प्रेग्नेंट और ट्रांसजेंडर हमारी कंट्री के अंदर हर दिन स्ट्रगल करती हैं। और देखो, एक वर्ड आपको मिला है, चाहो तो इस वर्ड का मेंस में उपयोग जरूर करना, नेटिजंस। नेटिजंस कौन लोग होते हैं? जो लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, दीज पीपल आर नेटिजंस। नेटिजन सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिव है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स से भी। क्योंकि आपको शायद पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अभी एक केस चल रहा है, उस केस अपन ने डिस्कस भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां की, यूनाइटेड स्टेट्स की, वो ये कह रही है कि जो अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन का जो कानून है, वो स्टेट्स चाहें तो उसको, मतलब लीगल अबॉर्शन को खत्म कर सकती है, मतलब अबॉर्शन इलीगल करने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो एक ड्राफ्ट सामने आया था, याद है अपन को डिस्कस किया था अपन लोगों ने, तो वो चीज थी। तो उसी को लेकर ये अबॉर्शन वाला टॉपिक अभी आज की डेट में न्यूज में है। तो देखो, हुआ ये था कि जो नेटिजन्स जो है ये क्लेम करते हैं कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इवन यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव है अबॉर्शन के मामले में, अबॉर्शन के अधिकार के मामले में। क्योंकि हमारे पास क्या है, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये है हमारे पास, राइट। तो ये कुछ लोगों का जो है वो कहना है। अब सुनिए बात ध्यान से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 में से 6 जो प्रेगनेंसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, प्रेगनेंसीज अनइंटेंडेड जो नहीं जाती हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं बट फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उनको फोर्सफुली अबॉर्शन करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और इसमें से 45% अबॉर्शन जो होते हैं वो अनसेफ होते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 97% जो है वो डेवलपिंग कंट्री में होते हैं। अनसेफ अबॉर्शन डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी PLOS 1 जर्नल में 2014 में, इसमें अबॉर्शन जो है उसके कारण मैटरनल डेथ जो हुई थी वो 10% रिकॉर्ड की गई थी, राइट, अबॉर्शन के कारण डेथ। और रीसेंट हम लोग को देखने को मिला, एक राउंड हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर 2021 का, इसमें ये चीज पाई गई कि 3% सभी प्रेगनेंसीज की जो है इंडिया के अंदर, 3% यानी कि जितनी भी महिला प्रेग्नेंट होती है उनमें से 3% महिला जो हम लोग को देखने को मिलती है उनको एबॉर्शन करवाना पड़ता है, राइट। और 53% से भी ज्यादा एबॉर्शन, या फिर आधे से भी ज्यादा एबॉर्शन, एग्जैक्ट 53% एबॉर्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, और 20% ही पब्लिक सेक्टर में होता है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो फैसिलिटीज वगैरह जो है और जो सर्विसेज हैं, एबॉर्शन सर्विसेज जो है उसकी कमी बहुत ज्यादा है। और 27% जो है वो वुमेन खुद ही अपने घर में अबॉर्शन करती हैं, वो ही अनसेफ प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो ये एक इशू हमें देखने को मिलता है। और एक स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट के अंदर 2018 में, जिसमें ये पाया गया कि 73% सभी अबॉर्शन जो इंडिया के अंदर होते हैं, हुए हैं 2015 में, ये सभी के सभी 73% मेडिकेशन अबॉर्शन थे। और हो सकता है कि ये सेफ भी हों, और काफी सारे हमें इसमें देखने को मिला था कि इलीगल थे एमटीपी एक्ट के थ्रू। अब सोचिए 73% अबॉर्शन जो हुए, मेडिकेशन अबॉर्शन हुए, जो कि हो सकता है कि शायद सेफ है, बट एमटीपी ने उसे इलीगल क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल प्रैक्टिशनर के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। पता है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर लीगलाइज कब कहा जाएगा? जब एक डॉक्टर जो है वो अप्रूव करेंगे
एक पब्लिक अथॉरिटी अप्रूव करेगी कि हाँ अबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से काफी सारे जो अबॉर्शन जो थे वो इलीगल हुए क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अप्रूवल नहीं दिया। और 5% सभी अबॉर्शन जो है वो हेल्थ फैसिलिटी के बाहर कंडक्ट करवाए गए, मतलब कि हॉस्पिटल्स के बाहर हुए हैं। और ये मेडिकेशन अबॉर्शन के अलावा दूसरी प्रैक्टिसेस की गई जो कि रिस्की अबॉर्शन होता है। रिस्की अबॉर्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो अनहाइजेनिक कंडीशन में होती है और इसमें डैमेजिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो इंसर्ट कर दिया अंदर महिला के, और या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस को जो है वो इंजेस्ट कर दिया, यानी कि एज अ केमिकल के तौर पर जो है वो दे दिया फीटस को मारने के लिए, बच्चे को मारने के लिए। कई कबार तो पेट में प्रेशर लगाया जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर होता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। इन्हीं सब अनसेफ और डैमेजिंग चीजों के कारण तो महिलाओं की मौत हो जाती है, राइट? इससे तो वुमेन जेंडर तो डेंजर में, वुमेन्स तो बहुत ज्यादा डेंजर में रहती है, बहुत ज्यादा रिस्क में रहती है, राइट? नहीं नहीं, गर्ल चाइल्ड की वजह से नहीं, कई केसेस में सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही वजह नहीं होती, कई केसेस में जैसे आपको पता है कि विदाउट मैरिज भी प्रेगनेंसी जब हो जाती है ना तो भी वो केस हम लोग को देखने को मिलता है। और आज की डेट में जो लिव इन का कल्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो इसके कारण ये केसेस जो है और ज्यादा हम लोग को कई केस में नजर आते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग, यस। और रीसेंट स्टडी के थ्रू ये पाया गया, इवन मैं आपको बताऊंगा ना जो लीगल अबॉर्शन होता है ना उसमें भी बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर लिखा हुआ, अभी मैं अभी खुद नहीं बता रहा, आप पढ़िए, पढ़ते जाइए। अभी लीगल अबॉर्शन में भी दिक्कत है, अभी अपन समझाएंगे इंडिया के अंदर। तो रीसेंट स्टडी में ये पाया गया कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इंडिया के अंदर जो है वो 6.8 मिलियन फ्यूअर गर्ल्स बीइंग बोर्न बिटवीन 2017 to 2030, मतलब कि 2017 से 2030 के बीच में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के कारण कम बच्चियां जो है वो पैदा होंगी। ये सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की बात हो रही है, बट अभी लीगल अबॉर्शन के केस भी हम लोग देखेंगे। काफी बार सबसे मेन जो चिंता की वजह है वो क्या है, अनअवेयर ऑफ डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन लीगल है कि नहीं है, लोगों को तो लगता है कि इलीगल है, राइट? नहीं, आप जो है अमित जी आप बोल रहे हो कि अनऑफिशियल रिलेशनशिप को रिस्ट्रेन कर देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज द चॉइस ऑफ एन एडल्ट कि उनको जो है वो क्या करना है, इट इज देयर पर्सनल चॉइस। आप किसी के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 20, विच आर्टिकल 21। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज की जो है पुष्टि करी है कि भाई एक व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहने का अधिकार है, राइट? सो यू नो अबाउट इट, सो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट अबाउट वॉट अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, नॉट अबाउट दीज एक्ट्स। इस एक्ट किससे रिलेटेड भी, बट सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड भी, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पर सेक्स एजुकेशन पर जो है वो नहीं किया जाता, राइट? नॉलेज जो है वो नहीं दी जाती हमारे यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे होता है ना कि अब प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो प्रोटेक्शन यूज करें, राइट, अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, बट फिर भी लोग जो है वो, लोगों को पता है, एक तो बेवकूफी क्या होती है कि लोगों को पता होता है, बट देन डू व्हाट पीपल डू, दे डोंट, मतलब वो इग्नोर करते हैं। मैंने आपको बताया ना, इग्नोरेंस इज द इशू। आपके पास हेलमेट रखा हुआ है और आप ये सोचेंगे कि अरे नहीं मेरा तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा, मैं तो स्लो चलाता हूँ गाड़ी, हेलमेट रखा है बट आप सोच रहे हैं कि स्लो चलाता हूँ मैं गाड़ी। आप स्लो चला रहे हो बट सामने वाला ट्रक से तेज आ रहा है, फिर क्या होगा? 12 तो अभी की बजेगी ना, तो वन शुड नॉट इग्नोर, दिस इज द थिंग, क्लियर? सो वी ऑल नो of at least one adolescent girl among our family. होता ही है, देखिए हमारी फैमिली में एक adolescent girl की अगर हम बात करें, अपने friend circle में किसी की बात करें, किसी की girl की बात करें, हमारे network में कोई ना कोई लड़की हमें मिलती है जिन्हें कई केस में जो है वो अननेसेसरली अपने डॉक्टर से, नॉन जजमेंटल डॉक्टर से मिलने के लिए दूसरी सिटी में भी जाना पड़ता है। कि बहुत कम लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर
जो बिना जज किए जो है वो ट्रीट करें, पीपल स्टार्ट जजिंग। डॉक्टर की तो बात छोड़ ही दे, हमारी फैमिली में ही लोग जज करने लगते हैं एक सेकंड के अंदर। आप किसी लड़की से या लड़के से दो मिनट ऐसे करके बात कर लो घर के बाहर, सोसाइटी जज करने लगती है। दीज आर द इशू। तो डॉक्टर तो अलग बात है। तो ये चीज है, कई बार प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको अपना इलाज कराना है, अबॉर्शन करवाना है, तो उसके लिए उन्हें पैसे की अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये सब इश्यूज हैं। अब एमटीपी एक्ट के अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या परेशानियां, अब ये सुनिए आप। एमटीपी एक्ट ये पहली बार 1971 में लाया गया, 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ, वही 20 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दिया गया। पता है ना इस गर्ल की, सभी लोग को प्रेगनेंसी जो है वो सेफ, मतलब प्रेगनेंसी 20 वीक्स का टाइम दिया गया था कि आप 20 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट कर सकते हैं, बट इस 20 वीक्स को बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये चीज आपको पता है, राइट? तो इसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया के अंदर लीगल कर दिया गया स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, और इंडियन पीनल कोड के अंदर भी इंड्यूस्ड मिसकैरेज एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जानबूझकर मिसकैरेज करवाना, फोर्सफुली मिसकैरेज करवाना, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और डिसीजन जो होता है अबॉर्शन का, ये सोली डॉक्टर के ओपिनियन के बेस पर होता है, राइट? ये भी चीज पता है ना आपको भाई, एमटीपी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, अब तो 24 हफ्तों के केस में दो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बताएंगे कि अबॉर्शन करना है कि नहीं करना। मतलब कि जो वुमेन है वो गर्ल है, उसकी क्या इच्छा है उससे कोई लेना देना नहीं। द पर्सन, द डॉक्टर, द थर्ड पार्टी विल टेल कि अबॉर्शन करना है कि नहीं करना। तो दीज आर द ऑब्स्टिकल्स। एमटीपी एक्ट जो है वो सिर्फ वुमेन की बात कर रहा है, एमटीपी एक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर की बात नहीं की गई है। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रांसजेंडर को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। दीज आर द इश्यूज की चाहो तो लिख सकते हो, इश्यूज जो एमटीपी एक्ट के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज है। मोरओवर जो एक्सेप्टेंस है अबॉर्शन को लेकर इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं माना जाता है। और हेल्दी कब मानते हैं, अगर गर्ल चाइल्ड है और अगर वो फैमिली जो है वो गर्ल चाइल्ड नहीं चाह रही है, बॉय चाह रही है, वो तो उनको लगता है कि अरे अबॉर्शन इज गुड करवा लो, बाकी केस में मना करने लगते हैं। कई केस में तो फैमिली की तरफ से प्रेशर। अब यार मैं तो अभी इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ अबॉर्शन की बात है। फैमिली के अंदर बेबी को लेकर प्रेशर आने लगता है नेसेसरली, अरे वो वुमेन है, वो नहीं चाह रही है बेबी कंसीव करना, बट फिर भी प्रेशर दिया जाता है उनके ऊपर। सो दिस इज रॉन्ग ना। हु आर यू, किसी को फोर्स करने वाले कौन हो तुम? मतलब ये समझ में नहीं आता कि आपने किसी से शादी करी तो इस तरीके से एक्ट करना कि आपने किसी को खरीद लिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है सोसाइटी के अंदर। दीस काइंड ऑफ थिंकिंग अपन को चेंज करनी है, राइट? और वो होगा ऐसे ही जब नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी, सही चीज सीखेगी, सही माइंडसेट होगा, राइट? तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है? और हमारे यहाँ पर अबॉर्शन की जब भी बात होती है इंडियन सोसाइटी में, तो वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में होती है, फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में होती है। 50 साल हो चुके हैं एमटीपी एक्ट को, उससे ज्यादा, बल्कि वुमेन और ट्रांसजेंडर जो है वो आज भी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। उनको सेफ अबॉर्शन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, सेफ अबॉर्शन नहीं मिल पाता। 7 ऐसे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल जो है अवेयरनेस ही नहीं है कि अबॉर्शन लीगल है कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है एमटीपी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा कि उनकी खुद की चॉइस, जैसा मैंने भी आपको बताया कि भाई उनकी चॉइस थी, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा, मेडिकल प्रोफेशनल बताएगा, प्रूव करेगा कि अबॉर्शन करना है कि नहीं करना, तब होगा। तीसरा जो है वो अनमैरिड और ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है कई बार, इसलिए वो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं लेते हैं, राइट? हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं जाते, फिर वो अनसेफ प्रैक्टिसेस को जो है वो फॉलो करते हैं। चौथा, मैंडेटरी रिपोर्ट करना होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस बिल 2011 के तहत। अब भाई मैंडेटरी रिपोर्ट करना है, इसकी फाइल बनेगी, अगर आप लिस्टिंग में आ जाओगे, लिस्टिंग में आ जाओगे तो आपकी प्रिवेसी के ऊपर खतरा है। पांचवी की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं ये कई केस में गाइस, कई केस में जो वुमेन की जो बॉडी है उनके लिए डेंजरस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। वुमेन की बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। सिक्स्थ जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ये कई बार हरकत भी करते हैं। आप डॉक्टर के पास आए अबॉर्शन के पर्पस के लिए, कोई जाए तो उसको बोल दिया जाता है कि अरे पेरेंट्स को बुलाइए, हम पेरेंट्स से बात करेंगे, ये तो बेवकूफी है। पुलिस वाले भी हरकत करते हैं कई बार, तो इनकी छोड़िए मैं पुलिस वालों की बात करता हूँ। एक कपल है, घूम रहा है, पुलिस वाले छेड़ने लगते हैं,
क्या बोलते हैं, लाओ बुलाओ जरा अपने पापा मम्मी को बुलाओ, लगा फोन उनको बताए, क्योंकि उनको पता है कि जहां ऐसा बोला सामने वाला व्यक्ति जो है वो 500 की जगह नहीं 5000 देगा। सेम हॉस्पिटल में भी तो यही कांड है भाई, डरोगे घबराओगे, पीछे से एक व्यक्ति आएगा हॉस्पिटल की तरफ से ही, उनका वार्ड बॉय, अरे भैया मत टेंशन करिए, लाइए दीजिए इतने पैसे, मैं आपका करवाता हूँ, बस ये तो धांधलेबाजी चल रही है और क्या। तो ये चीजें हैं। सो मिसट्रीटेड एंड नॉट प्रोवाइडेड मेडिकेशन फॉर पेन रिलीफ, कई बार हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिलती है अबॉर्शन के केस में, पेन रिलीफ के लिए प्रॉपर दवाइयां नहीं दी जाती हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, डिस्पाइट लॉ प्रोहिबिटिंग सेक्स डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन सॉरी डिस्पाइट लॉ प्रोहिबिटिंग, कानून है हमारे पास कि जो प्रोहिबिट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर, प्रोहिबिशन मतलब ये चेक नहीं करना, जैसे वो होता है सोनोग्राफी वगैरह जिसके थ्रू पता ना लग जाए कि सामने वाला चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है, तो वो बैन करके रखा हुआ है, राइट, हम लोगों ने, बट उसके बाद भी इलीगल तरीके से ये पता लगवा लिया जाता है और अभी भी ये प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। फिर भी नेट पर जो यूजर्स है वो बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी नहीं पता ना भाई। आप स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पी रहे हो, सामने आपके लैपटॉप है, गेमिंग मस्ती कर रहे हो, या आपने घर के अंदर बस जोमेटो से या कहीं से फूड ऑर्डर कर रहे हो और इंटरनेट पर दिन रात जो है बैठे हुए हो बस एसी के अंदर, आपको क्या पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दीज आर द थिंग्स, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। अर्जेंट नीड इन अवर कंट्री टू शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन फ्रॉम जस्ट बीइंग अ फैमिली प्लानिंग एंड मेटरनल हेल्थ, यही ये देखो लिखा है यहाँ पे जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि हमारी कंट्री के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव अधिकार जो है वो क्या है, तो उसके बारे में उसको जानकारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अबॉर्शन सिर्फ सीमित फैमिली प्लानिंग और मेटरनल हेल्थ को लेकर नहीं होना चाहिए, उसकी खुद की सेक्सुअल हेल्थ को, उसकी खुद की हेल्थ को लेकर भी होना चाहिए, राइट। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है ये केरला के अंदर, यार बहुत मौतें जो है हो रही है, कम्युनल किलिंग्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है। ये अल्पाफूजा, ये केरला की एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एक अभी मुद्दा हुआ था, राइट, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला, तो ये अभी अभी इससे रिलेटेड आएंगे और भी केसेस वगैरह आएंगे। इसको तो सिर्फ ये चीज मेंशन है कि केरला के अंदर हिंदू क्रिश्चियन इस्लामिक ग्रुप्स, इस प्रकार के ग्रुप्स जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट। अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी जो है उन्होंने भी कह दिया है कि अल्पाफूजा इंसिडेंट जो है उसको क्रिटिसाइज किया है वहां के रूलिंग सीपीआई, यानी कि वो पॉलिटिकल मुद्दा जो है बना दिया, वो कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि इस प्रकार के कम्युनल इश्यूज को टैकल कर सके, राइट। तो वो एक चीज हम लोग को इस प्रकार की यहाँ पर देखने को मिल रही होता है, कुछ खास नहीं, मेनली पॉलिटिकल और क्राइम का मिक्सचर ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या हुआ है, वही एक बच्चे ने जो है उठा लिया बंदूक 18 साल के और मार दिया है 19 बच्चों को, दो टीचर्स को जो है मार दिया, और ये घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी काफी बार 2012 में घटना हुई, 2018 में घटना हुई, ये अभी की घटना नहीं, इवन इनका कहना तो है कि 2022 में 26 स्कूल शूटिंग हुई है, स्कूलों के अंदर जो गोलीबारी जो चली है वो 26 बार चली है। तो ये क्यों हो रहा है, आपके पास कानून नहीं है इसलिए हो रहा है, आप इतनी बड़ी कंट्री हो, इतनी डेवलप्ड कंट्री हो, पैसे वाली कंट्री हो, बट आपके पास ऐसे कानून नहीं है कि जो आप बच्चों को जो है वो गन से वेपन से दूर रख सके, और आप जो है वो बाजा बजाते हो दुनिया भर में कि वेपन्स नहीं रखना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो खत्म करो, ये बाजा बजा रहे हो आप, और आपकी खुद की कंट्री के अंदर बंदूक लोग बंदूक से एक दूसरे को मार रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ। इंडिया के अंदर भी देसी कट्टा का जो चलन है ना, इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देसी कट्टा बहुत इजीली मिल जाता है, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ इस चीज के बारे में, तो आपको क्या बताऊं, मैं इवन लास्ट वीक भी नहीं यार, अभी 4-5 दिन भी नहीं होंगे, मैं अभी एक रात में जो है एक पार्टी में था, उस पार्टी में एक व्यक्ति उससे बोल रहा था कि अरे आपको देसी कट्टा चाहिए तो बताइए, मैंने कितने में मिलेगा, तो उन्हें 1500-1500 2000 रुपये मिल जाते हैं। अच्छा देखिए, तो सोचिए जब मैं ऑन एयर ये वाली बात कर सकता हूँ, इवन गांजा ऑल्सो लोग बाग हैं, कुछ लोग बताते हैं आपके भी दोस्तों में यार ऐसी बात करते होंगे, जब आपके दोस्तों को पता है, जब मुझे पता है, पुलिस वालों को क्यों नहीं पता यार,
क्यों ऐसी प्लेसेस के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों ऐसी प्लेसेस को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा। बाय। अब नेक्स्ट ओपिनियन वाला जो पेज है वो हमारे लिए कुछ खास काम की न्यूज नहीं आई है इसके अंदर। यूएस ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ताइवान स्ट्रेट। मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ताइवान स्ट्रेट भी दिखाया था मैप में, और बस यही है। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना यह है कि उसका मतलब एक्शन उसी प्रकार का है कि कल को अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमला करेगी तो यूनाइटेड स्टेट फोड़ डालेगा। देखो मंकी पॉक्स वायरस, मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स क्यों है, तो लीजिए आपको आंसर सामने आ गया। मैं आंसर उसी चीज का देता हूँ जिसके फैक्ट थ्योरी आपके सामने अवेलेबल करा सकूं, पुख्ता डेटा अपन को मिल सके। नहीं, वो इसलिए मैं नहीं करता खुद से अपनी नॉलेज। उस दिन भी मैं बोल देता कि अरे मंकी को लगा होगा वायरस, लगा होगा नहीं यार, ये आपका करियर है, ये आपका एग्जाम है, और इसमें जब तक आप फैक्चुअल डेटा सामने ना देखो, वो भी ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू, बिल्कुल ना कहीं पे रिकॉर्ड करना ना कहीं पे लिखना। और मेरी आदत हमेशा है, मेरे को भले ही पता होता है बट फिर भी मैं सर्च करके आपके सामने रख देता हूँ कि जिससे कि कल को ये ना हो कि यार बाय चांस, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि अपने, मेरे साथ बहुत बार होता है, नंबर से होते हैं ना, मैं कई बार बोलते बोलते उल्टा कुछ नंबर बोलते हैं, जैसे ये 1980 लिखा हुआ है या 1958 लिखा हुआ है, कई बार 1985 बोल दिया, तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे पास। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार सामने ही रखा रहे डेटा जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर पता लगे। मंकी पॉक्स जो है वो पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, राइट। पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था मंकी के अंदर 1958 में, और प्रेजेंट आउटब्रेक इसका 19 कंट्री में 220 लोगों को कंफर्म हुआ है। और स्मॉल पॉक्स या वैक्सीनिया, ये वैक्सीन है, ये प्रोटेक्शन इस वायरस के अगेंस्ट प्रोवाइड कराती है। वैक्सीन डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 1980 में, बट फिर भी काफी सारी कंट्री ने इसके स्टॉक्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में मंकी पॉक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा थे एडिशनल जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज की अगर हम लोग बात करें, पार्कर सोलार प्रोब, पार्कर सोलार प्रोब नासा का ये मिशन हमें देखने को मिलता है। आउटर कोरोना, जो सन का जो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। ये सन की बेसिकली आउटर लेयर नहीं है, सन से थोड़ा सा दूर हम लोग को देखने को मिलता है और सबसे हॉटेस्ट होता है ये, राइट। बिल्कुल शिवानी जी सही कह रहे हो आप, तो ये चीज आप एक फैक्ट ध्यान में रखो। स्पेस शटल कोलंबिया, ये स्पेस क्राफ्ट है जिसमें कल्पना चावला जी गई थी स्पेस में। कौन से ईयर में गई थी कोई बता सकता है? कल्पना चावला जी स्पेस में कौन सी ईयर में गई थी? 2003 एंड द डेट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1st फरवरी, एक बार कंफर्म कर लेना, 1st फरवरी 2003 तो फॉर श्योर है, बट 1st फरवरी एक बार कंफर्म कर लेना। पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन चाइनीज स्पेस प्रोग्राम का, तो ये था शेंजोहू 5, और पहली यूएस स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, ये था स्काईलैब। यंगेस्ट वुमेन जो स्पेस में गई है अभी तक वो है वैलेंटिना टेरेश्कोवा। ज्ञानवाबी मस्जिद की हियरिंग जो है वो आज थी, यासीन मलिक का केस हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कोई भी एक ऐसी न्यूज नहीं है जो हमने पढ़ी ना हो, या और पॉलिटिकल न्यूज है मेनली इसके अंदर, ठीक है। अभी सरकार जो है वो शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा रही है, ये कह रही है कि शुगर का एक्सपोर्ट 10 मिलियन टन तक ही किया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे तो अभी सीजन आएगा फेस्टिवल का, तो उसमें शुगर की कमी हो जाएगी सप्लाई की और प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को, मुद्रा फीसदी को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया है। ये देखिए एक सर्वे जो है वो सामने हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि नियरली लगभग 80% बच्चों का कहना यह है कि पैंडेमिक के समय पर उनके लिए घर पे पढ़ना मुसीबत वाला काम था, उनको स्कूल पे पढ़ना ज्यादा बेटर है अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिलीज करी है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट, तो याद रखना नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये फैक्ट ध्यान में रखना। अभी हमें देखने को मिला कि स्पाइस जेट की फ्लाइट डिले हो गई, क्योंकि उसके ऊपर एक रैंसमवेयर एक अटैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक मतलब वही हैकर्स ने अटैक किया था। इनका नाम याद रखिएगा, कैप्टन अभिलाषा बराक, क्या है कैप्टन अभिलाषा बराक, ये आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट पायलट है, पहली वुमेन पायलट जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया है, राइट। बताया जा रहा है LGBTIQ कम्युनिटी के लिए कुछ पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, राइट। हालांकि इसमें कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस सिर्फ इतनी सी चीज थी जिसको आप बेसिक आइडिया होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है।
WHO ने इंडिया से कहा है कि भैया इंडिया जो है वो मंकी पॉक्स के केसेस को टेस्ट करने में मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन के तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी स्पेशल पावर का उपयोग करते हुए किया है जो कि आर्टिकल 142 के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना जजमेंट देती है। बाकी ये वो स्कूल का मामला, जॉय बिडेन का कहना है कि भैया हमें ये स्कूल के अंदर जो शूटिंग चल रही है उस पर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, और ये वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इशू, वो अपन को कोई लेना देना नहीं। अब यही चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चाइना, वही है ना उइगुर मुस्लिम्स का जो केस है, जेनोसाइड जो किया है, तो उस पर चाइना डिफेंड कर रहा है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे अपने, राइट, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिशियल्स हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप जो है वो जिंगजियांग क्षेत्र पर उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो है वो क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो उनके ऊपर, राइट, फोर्सफुली उनको उनसे काम करवा रहे हो, राइट। तो ये एक चीज। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, बीजिंग आईज डील विद पैसिफिक नेशन, चाइना जो है वो चाहता है कि 10 छोटे छोटे पैसिफिक कंट्रीज जो है वो उसके स्वीपिंग एग्रीमेंट को जो है वो सपोर्ट करें। अब इस स्वीपिंग एग्रीमेंट में चाइना ये चाह रहा है कि हर चीज सिक्योरिटी से लेकर उनके फिशरमैन, हर प्लान चाइना तैयार करे, मतलब उस कंट्री के इकोनॉमिक, उस कंट्री की सिक्योरिटी, उस कंट्री के कल्चरल पॉलिटिकल हर तरीके की चीजों में चाइना सपोर्ट करेगा। मतलब कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि चाइना जो है वो अब अपनी रणनीति जो है वो लाकर, अभी हमें देखने को मिला ना कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो यूएसए के नेतृत्व में है, जिसको हमने भी ज्वाइन किया है, तो उसको काउंटर करने के लिए अपनी एक कोई रणनीति नहीं बना रहा। देखिएगा इसको लेकर एक बड़ा बम फूटेगा भी एक दो तीन चार दिन में, आप देखिएगा जरूर। बाकी ये श्रीलंका की हालत जो है वो खराब है पूरी तरह से, हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें एक नए फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आ गए हैं इस समय पर, जिस समय पर श्रीलंका की बैंड बजी पड़ी हुई है। ये जो है वो टॉपिक कौन सा हम लोग को देखने को रहा है, सरकार का एक पैनल है, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाउबा पैनल, ये किस चीज पर जो है वो टारगेट कर रहा है, यही महंगाई वगैरह जो बढ़ती जा रही है, इसमें सीमेंट जो सीमेंट है इस पर महंगाई ना बढ़ जाए, सीमेंट के प्राइसेस बढ़ ना जाए, तो उस पर डीपली स्टडी की जा रही है इस पैनल के द्वारा, राजीव गाउबा पैनल, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कुछ खास काम का नहीं है बिजनेस पेज के अंदर। ये चिप का इशू आपको पता है, ये वाला जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इशू पता है आप लोग को, सिलिकॉन जो चिप हम लोग को देखने को मिलती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफी कम हो गई थी हमारी कंट्री में, हमने फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनको बनाने के लिए जो है वो काम करना शुरू किया। तो अभी यही हो रहा है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लॉस में गई है, वो उसकी लॉस की वजह यही है कि चिप का सप्लाई नहीं था, बट अब हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज पर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। इसमें ये पाम ऑयल, इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट जो है वो 11 साल की पोजीशन पे लो पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, लो पर, क्यों लो पर देखने को रहा है, इंडोनेशिया ने भी कम कर दिया है एक्सपोर्ट करना पाम ऑयल वगैरह को, और कुछ आपको आपने एक दो दिन 15-20 दिन पहले अगर आपने फॉलो अप किया है तो आपको यली न्यूज भी पता है कि चाइना ने हरकत करी थी, एडिबल ऑयल जो है वो सभी कंट्री से परचेज कर लिए थे भारी मात्रा में बायोडीजल बायोफ्यूल बनाने के लिए, पता है ना। हिंदुजा ग्रुप टू रीडेवलप हेरिटेज पैलेस इन इंडिया फॉर मोर देन 700 मिलियन पाउंड, तो हिंदुजा ग्रुप जो है वो इंडिया के अंदर होटल रेस्टोरेंट बनाएगी, हेरिटेज होटल रेस्टोरेंट अच्छा बनाएगी, तो उसको लेकर ये टॉपिक था। बाकी स्पोर्ट्स में कुछ खास न्यूज नहीं है, और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। बाकी मैं आप लोग को कुछ हमारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 12 मंथ्स का गाइस हमारा कोर्स है, UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल स्टडीज का हमारा 12 मंथ्स का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। क्लास के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी क्लास में करवाया जाएगा। GS पेपर 1, 2, 3, 4 पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी होगी, और साथ ही साथ हम रूटीन आपको देंगे, उस रूटीन को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, राइट, और हर चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको करनी होगी। अगर आप इस तरीके से चीजों को करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि एक स्ट्रेटजी होती है और एक रास्ता होता है, वो रास्ता हम बताएंगे, उस रास्ते पर चलना आपको है यार। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं करवाती है, ये आप हो जो आप करवाते हो, राइट। सो लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं इसके अंदर, क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल की जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्स है, और सभी के सभी नोट्स क्लास में ही आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आपको कोर्स चाहिए, ज्वाइन करना है, तो तुरंत ज्वाइन कर लो बिना वेट किए, 9713282838 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। 5,000 बिल्कुल याद है प्राची जी, बिल्कुल याद है,
और डालेंगे जल्दी, अपन ने डेट दी हुई है ना आपको 1-3 महीने वाली, बिल्कुल 78 वजन करके रहना है, ये बात मान के चलो। चलिए गाइस फिर मैं साइन ऑफ करता हूँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, एवरीथिंग सॉर्टेड। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, चलो चले, चलो फिर हम मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।